दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम आपको सीलिंग फ़ैन के बारे में कनेक्शन बताने वाले हैं। जो पंखे होते हैं जिसमें चार कनेक्शन निकले होते हैं, दो ब्लैक और दो रेड, जिसमें चार वायर निकले होते हैं। तो कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कहां पर सेल लगाना होता है और कौन से तार लाइट में होते हैं। तो इसमें आपको सीधे नहीं करना है, एक एक वायर को आपको कॉमन करना है, रेड और ब्लैक को करना है आपको कॉमन। और इसके बाद जो एक रेड और एक ब्लैक वायर है उसमें आपको सेल कनेक्ट करना है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ इस तरह से वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके ये प्रोसेस समझ में आएगा। ये मैंने कॉमन कर लिया है रेड और ब्लैक। इसके बाद ये जो कैपेसिटर है इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, लगा के एक रेड वायर और एक सेल वाला वायर, फिर एक ब्लैक वायर और एक सेल वाला वायर को मैं आपस में कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन करने के बाद में मैं जो आपको किया है कनेक्शन वो दिखाता हूँ, देख लीजिए। यहाँ एक ब्रैकेट में मैंने सप्लाई दी है लाइट की, एक बीच वाला मैंने एक जो ब्लैक कलर का वायर है वो मैं बगैर सप्लाई के रखा हूँ, रेड में मैंने सप्लाई दी है, ऊपर के रेड और ब्लैक में दी है और नीचे में सेल और रेड में सप्लाई मैंने दिया है। तो इस तरह से ही आपको सप्लाई देना है। यदि आपका पंखा उल्टा चल रहा हो तो आपको जो कॉमन वायर है उसको नहीं छेड़ना है, जो रेड वायर है उसको नीचे वाले ब्रैकेट से निकाल के ऊपर वाले में लगा देना है रेड वायर को। तो देख लीजिए ये अभी पंखा अपनी सीधी स्थिति में चल रहा है। लगभग से आप इस रेड रेड में सप्लाई देते हो तो ये पंखा आपके राइट ही चलेगा, राउंड नहीं चलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर दोस्तों को ये भी ट्रिक की ज़रूरत हो तो उसको भी शेयर कर दीजिए। तो आपको मैं समझा दूँ फिर से कि ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक नीचले पर एक ये सप्लाई दी है रेड में, देख लीजिए लाइट का वायर मैंने एक रेड में लगाया है और दूसरा भी ऊपर के रेड में।